अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम मार्केट गए थे और अभी घर की तरफ रवाना हुआ है। आज बहुत बार हो गया, सब व्यूअर्स को मेरा सलाम। और आज हम हो गए बहुत बार, यकीन नहीं आ रहा, लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना, आज सारा दिन हमें हमारे ओनर थे साकिब सर, भूख से मार दिया और हालत ऐसी बुरी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। चाय और पानी से गुजारा होता है। और ये हमारे देवर साहब हैं जो आज सारा दिन हमारे साथ थे। असल में लाइटें जल रही हैं तो थोड़ा वो हो रहा है, तो आज ये हमारे साथ ही थे जिन्होंने भूख बर्दाश्त की है। ये हम बलोच करावनी क्रॉस कर रहे हैं, आगे हवाई पत्ता आएगा, आप इशारा फैसल बने, मेन इशारा है कराची की जान। और माशाल्लाह कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, काम से बहुत ही ज़्यादा, और ये रोड इसके मुकाबले में कुछ कुछ बहुत कम। ये हमारे इसमें अभी ये देखें माशाल्लाह से, ये अभी हम मेरा ख्याल में हवाई मरकस ये आगे है ना, हाँ हवाई मरकस ये आगे। हाँ अभी हम क्रॉस करेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी का लोड बहुत ज़्यादा है। ये हवाई मरकस आ गया, ये हाँ ये हमारे लेफ्ट हैंड पर आ गया लाल किला। ये लाल किला आगे पीएफ म्यूजियम प्लस पीएफ कारसाज आ रहा है। अब हम घर की तरफ हैं, बदुआ कीजिएगा खैरियत से पहुँच जाए, खैर खैरियत से। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। बाइकों वाले से यार बड़ी टेंशन होती है, बल्कि बाइकों वाले क्या पाए, मैं भी एक टाइम में बाइक वाला था, पर शुक्र है मेरे मालिक का, मैंने कभी जिस तरह ये चला रहे हैं रेस भी लगाई भगाई नहीं है। खुला रोड मिला तो ठीक है यार, समझ के आते हैं। ये म्यूजियम की तरफ रोड जा रहा है और ये अभी हम जा रहे हैं मेन चारा है कायद आजम का म्यूजियम। ये पीर बुखारी दरगाह है, पंप की बैठ दरगाह बहुत ही अच्छी है, बहुत पुरानी, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। और इस दरगाह पे एक ख़ास बात ये थी कि माशाल्लाह से मैंने अपनी आंखों से देखा ना, आंखों से देखा तो इंसान भी क्लास था कि कोई भी बीमारी इंसान के जिस्म पे लगी हुई है। जैसे कि बचपन में मैंने अक्सर देखा सुना कि यार जिस्म में दाने वगैरह आ जाते हैं या कोई भी ऐसी बीमारी, तो यहाँ पर नहाने से अब ये मेरा रब बेहतर जाने, मैं नहीं कह सकता कि लोगों को चपा आई, पानी इस तरह का होता था कि लोगों को चपा आई है, फिर वो एक बहुत बड़ा अगर स्विमिंग पूल बना था वहाँ पर नहाते थे, फिर वहाँ से ठंडा और गर्म पानी होता था जब सर्दी होना, और आम दिनों में जैसे नॉर्मल और ऊपर से साफ़ पानी भी आता था, फिर लोग के बीच में नहा रहे हैं ठीक है, और लेडीज़ का एक अलग से वॉशरूम नुमा बना हुआ था। और जब आप नहा लेंगे तो लास्ट आप जब आपको वहाँ पर मिलेंगे एक वक्त, उससे आप अपनी बॉडी को वॉश करें साफ पानी से, और फिर अपना मतलब जो भी ड्रेस आपका वो डॉलर। और ये मेरा मानना है कि दरगाहें कोई सी भी हैं, वलीउल्लाह है, पीर फकीर है, तो उनको मैं मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, और किसी क्योंकि अच्छा नहीं है मज़हब कोई भी है, सब मैं सबको सेम समझता हूँ, कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या है और अल्लाह के करीब कौन है, किसी को मैं बुरा नहीं कहता। तो गाइस ये हम पीएफ फैसल बेस के ये मेन गेट है,
एमबीएस के साथ मेरी बात काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर मैं जॉब करता रहा हूँ और ये ब्रिज के नीचे गुजर रहे हैं हम पीएफ फैसल बेस। माशाल्लाह यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे ऑनर मिले थे जो मेरे से सीनियर सर थे, यासीन सर, तो मैंने यहाँ माशाल्लाह से 2 साल जॉब किए पक्कों के हैं। मेरे लेटर आ गए थे हेड ऑफिस से इस्लामाबाद से। गाइस यहाँ से गुजरता हूँ तो ये चीज़ें याद आती हैं कि इतनी अच्छी जॉब थी, बहुत सुकून था। टाइमिंग तो हमारी इतनी वो नहीं थी, 7:30 से 2 बजे तक, पर मैंने 8 बजे पहुँचना और 12 बजे घर आ जाना। जॉब अच्छी थी, कोई इतना शुरू शुरू में टेंशन नहीं। ये एक बोर्ड लगा हुआ आगे कायदाबाद मनीर गुलशन जौहर गुलशन इकबाल नॉर्थ कराची और एयरपोर्ट तो सीधे ही वो जा रहे हैं। तो हाँ मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं वो जॉब बस एक दोस्त था यासीन भाई, उन्होंने मुझे कम कर दिया यार ये कोई तनख्वाह है यार। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में 2008-09 की, तो उस टाइम में माशाल्लाह मैंने मैट्रिक क्लियर की थी 9 में ही मैंने 10 में मैंने यहाँ पर आकर इंटरव्यू तो नहीं, बस मेरा लक था, मेरे रब ने मेरे को एक मौका दिया था। एडमिन सर ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा कल से आप जॉब पर आ, क्योंकि मेरा नाम असलम रजा, तो उन्होंने कहा आप अमीन है, मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। और इसके अलावा एक मौका और मिले मेरा क्वेटा सुमंगरी एयरबेस में, वहाँ पर भी ये सीन कुछ बात तो कुछ रिश्तेदार वगैरह कुछ बातें, और फिर प्रदेश पहाड़ी इलाका जंगल ही जंगल, बल्कि जंगल ही हो पहाड़ी पहाड़े कोई वो है ही नहीं, कोई आबादी नहीं है बेस के अंदर ही। तो दो ढाई साल वहाँ गुजारे मैंने समुद्री एयरबेस में, बहुत तंग आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया, अरे यार यहाँ मज़ा नहीं आया। सो एनीवे क्या याद आ गया अचानक, ये रिंग रोड पहुँच चुके हैं, माशाल्लाह कराची का नक्शा ही चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ गई है पर महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर पाकिस्तान के उस शहरी की जो बेचारा मजदूर है, मजदूरों की बात करूँगा जो बेचारे रोज़ाना दिहाड़ी लगाते हैं, ड्राइवर्स हैं, लेबर है, क्या कह सकते, ये नाता खान का पुल क्रॉस कर रहे हैं ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारी मदद करेगा। ये नाता खान का पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, पुल के ऊपर है इस तरह गाइस, हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मैं आपको मिट्टी साइकिल की वीडियो बना दूँगा, ट्रैफिक बहुत जैम है, टाइम लग जाएगा, बैटरी भी लो है, बस वीडियो कैद नहीं बना सकता मैं। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए अपने अंदर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप लोगों ने मेरे चैनल को कामयाब किया, ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।